असला डियर स्टूडेंट्स वेलकम इन क्लास ऑफ इंग्लिश ईयर फ्राम पेरा बच्चे हमने कहानी स्टार्ट करी हुई है माई फाइनेंशियल कैरियर और उसका कल हमने फर्स्ट पेज कम्प्लीट किया था ट्रांसलेशन का जिसमे हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो राइटर है स्टीफन लिकॉक वो पहले कभी बैंक में नहीं गया था और जैसे ही वो बैंक में इंटर होता है वो बहुत ज्यादा पजल हो जाता है तो वो अकाउंटेंट से कहता है कि वो मैनेजर से मिलना चाहता है वो भी अकेले में तो मैनेजर जो है वो उसको लेके एक प्राइवेट रूम में आता है मैनेजर समझता है कि ये राइवल एजेंसी से है ये कोई डिटेक्टिव है तो अब हमने आगे पढ़ना है कि वो किस तरह से मैनेजर की कंफ्यूजन को दूर करता है और कौन सी नई कंफ्यूजन डाल देता है तो कहता है राइटर पेज नंबर है 26 टू टेल द ट्रुथ अगर सच बताऊं तो आई वेंट ऑन मैंने अपनी बात को जारी रखा वेंट ऑन मतलब कंटिन्यूड कहता है अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मतलब मैनेजर से कह रहा है कि अगर तुम्हें मैं सच बताऊं तो एज इफ आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड प्रॉम्प्टेड मतलब उकसाया जाना फोर्स करना प्रोवोक करना इंपेल करना कहता है कि मैंने ये ऐसे कहा जैसे कि मुझे उकसाया गया हो टू तो लाई अबाउट इट इसके बारे में झूठ बोलने के लिए कहता है कि मैनेजर से कहता है अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो ये बात यहीं पे छोड़ दी उसने आगे वो खुद खुद से सपोज कर रहा है कि मैंने इस तरह से अपनी बात को जारी रखा जैसे कि मुझे झूठ बोलने के लिए उकसाया गया हो कौन सा झूठ बोलने के लिए मतलब कि मैंने उसको इस तरह से कहा कि तुम्हें मैं सच बताऊं कि जैसे ये सारा प्रीटेंड करने के लिए ऐसा बिहेव करने के लिए खुद को जासूस शो करवाने के लिए मुझे झूठ बोलने पर उकसाया गया हो मतलब पहले इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की कि मैनेजर को डाउट हुआ कि वो कोई जासूस है अब ये क्लैरिफाई कर रहा है कि तुम्हें मैं सच बताऊं हम जब किसी से झूठ बोलते हैं मीन जान बूझ कर किसी को सरप्राइज करने के लिए किसी के साथ मजाक करने के लिए तो लेटर ऑन हम लोग कहते हैं कि असल बात क्या है तुम्हें बताएं सच बताएं तो कहता है कि मैं मैनेजर को इस तरह से कायल कर रहा था सच सुनने के लिए कि इससे पहले जो मैंने प्रिटेंड किया उसके लिए मुझे उकसाया गया हो मुझे ऐसा करने के लिए बोला गया हो कि तुमने बैंक में जाके शो करवाना है कि यू आर जस्ट लाइक अ डिटेक्टिव as if as if हम कहाँ पे यूज करते हैं as if का मतलब है सपोज करना इमेजिन करना मीन जो हम कर नहीं रहे हैं रियल में वैसा सपोज करना वैसा इमेजिन करना i have come to open an account मैं यहाँ पे खाता खुलवाने आया हूँ। कहता है अगर तुम्हें मैं सच बताऊं तो अब इस बात का अगला जो पार्ट है वो ये वाला है i have come to open an account अगर तुम्हें सच बताऊं तो मैं यहाँ पे क्या है अकाउंट ओपन करवाने आया हूँ इससे पहले एक लाइन है आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल कि मैं हरगिज जासूस रही हूँ कहते है कि मैं हरगिज एक जासूस नहीं हूँ बल्कि मैं यहाँ पे खाता खुलवाने आया हूँ आई इंटेंट टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक मैं इंटेंट का मतलब होता है बच्चों इरादा करना एम करना प्लान कहता है कि मेरा इरादा है कि मैं अपनी तमाम दौलत तम, सारा जो मेरा पैसा है वो इस बैंक में रखवाऊ इस बैंक में रखवाने का इरादा रखता हूँ मैं अपनी सारी दौलत इस बैंक में रखवाने की का इरादा रखता हूं तो अब देखो पहली कन्फ्यूजन ये थी कि हमारा जो राइटर है वो कोई डिटेक्टिव है लेकिन वो क्लैरिफाई करता है कि आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल लेकिन वो क्या करता है इन अनदर कन्फ्यूजन वो मैनेजर को एक और कन्फ्यूजन में डाल देता है ये बोलते हुए कि मैं अपनी सारी रकम अब सारी रकम वो इस तरह से बोल रहा था जस्ट लाइक like है कोई वन मिलियन टू मिलियन मतलब बड़ा कोई अमीर जाता है रिच फैमिली से ताल्लुक रखता है तो मैनेजर जो है वो समझता वाह भाई तो बड़ा अमीर नजर आ रहा है कोई तो मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड अब मैनेजर थोड़ा सा सुकून में नजर आया रिलीव मीन काम कूल मतलब वो पहले थोड़ा सा टेंशन में पड़ गया कि ये कोई जासूस है हमारे बैंक में हो सकता है कोई डिकेती वगैरह होनी हो और इसको कोई पता चला है इसको कोई सराग मिला है और ये हमें बताने आया हो लेकिन अब थोड़ा सा वो मुतमन हो गया बट स्टिल सीरियस लेकिन अभी तक संजीदा था मैनेजर मुतमन दिखाई दिया लेकिन अभी तक संजीदा था अभी भी वो क्योंकि उसकी हमने पीछे भी बात की है कि वो टॉल एंड अ सीरियस पर्सन वो एक संजीदा और खामोश तबा इंसान था

बहुत ही बड़े नवाब या फिर नवाब रॉक्स चाइल्ड ये एक अंग्रेज बैंकर था बच्चों वहां का जो कि बहुत रिच भी था और मुजिज भी था ऊपर से जॉब के लिहाज से बैंकर था उसका बेटा हूँ और आई यंग गोल्ड गोल्ड कहते हैं बच्चों किसी सरमायादार को ठीक है ना वेल्दी पर्सन को अलीट फैमिली को कहता है कि अब मैनेजर ने नतीजा निकाला कि मैं नवाब रॉक्स चाइल्ड का बेटा हूँ या नया कोई गोल्ड मतलब कोई सरमायादार हूँ ठीक है अब वो इस कंफ्यूजन में चला जाता है अ लार्ज अकाउंट कहता है एक बड़ा खाता खुलवाना है आई सपोज मेरा ख्याल है अब ये मैनेजर कह रहा है कहता लगता है कि मेरा ख्याल है कि कोई बड़ा खाता है ही सेड फेयरली लार्ज फेयरली मीन इनफ काफी कहता है कि हाँ काफी बड़ा खाता आई विस्पर्ट मैनेजर सरगोशी की कहता हाँ काफी बड़ा खाता खुलवाना है आई प्रपोज प्रपोज मतलब वही एम प्लान मेरा इरादा है टू डिपॉजिट फिफ्टी सिक्स डॉलर नाउ मैं छप्पन डॉलर अभी जमा करवाऊं एंड फिफ्टी डॉलर्स अ मंथ रेगुलरली और हर मंथ पचास डॉलर जमा करवाऊं इतना बड़ा खाता है ऐसा अकाउंट ओपन करवाना है कहता है कहता है इतना बहुत बड़ा खाता ओपन करवाना मैंने खुलवाना है मेरा इरादा है कि इस महीने छप्पन डॉलर जमा करवाऊ और हर महीने ठीक है ना

ऊपर से उसको नहीं पता कि बड़ा खाता मेन क्या था मतलब क्या था मैनेजर का वो फर्स्ट टाइम बैंक में आया था उसके लिए तो उसका छप्पन डॉलर का जो खाता है वो भी बहुत बड़ा है जितना वो नर्वस था उसके लिए फिफ्टी सिक्स डॉलर डिपोजिट करवाना भी एक बहुत बड़ी बात थी लेकिन मैनेजर चूंकि डेली बेस पे इससे भी कई ज्यादा रकम वाले अकाउंट्स ओपन करवाता है तो वो कुछ और समझ बैठा था लेकिन जब मैनेजर ने ये सुना तो वो गुस्से में आ गया द मैनेजर गॉट अप मैनेजर उठ खड़ा हुआ एंड ओपन द डोर उसने दरवाजा खोला मैनेजर उठ खड़ा हुआ और उसने दरवाजा खोला ही कॉल टू द अकाउंटेंट उसने अकाउंटेंट को आवाज लगाई मिस्टर मॉन्ट मरे ही सेड उसने कहा मिस्टर मॉन्ट मरे ही सेड अनकाइंडली लाउड उसने बड़ी तल्खी से ऊंची आवाज में बोला या फिर हम इसको ऐसे भी पढ़ते हैं मंट मरे टल मैन इज ओपनिंग एन अकाउंट ये साहब एक खाता खुलवा रहे हैं ही डिपोजिट फिफ्टी सिक्स डॉलर ये छप्पन डॉलर जमा करवाएंगे गुड मॉर्निंग सुबह बखैर खुदा हाफिज अब ये uh, मतलब आदमी जो है ये साहब अपना खाता खुलवा रहे हैं जेंटल मैन वर्ल्ड और फिर ही विल डिपॉजिट फिफ्टी सिक्स डॉलर ये दो चीजें जो थी अच्छा उसने तंजिया अंदाज में बोला था उसने क्या कहा था कि ये जो आदमी है मतलब जेंटलमैन ये ये जो साहब है, ये खाता हैं खाता रहे वो भी डॉलर का तो ये सारी तंज थी कि मतलब वट आर लार्ज अमाउंट कितनी बड़ी रकम है जिसके लिए मैनेजर को बुलाया फिर कहा कि तनहा मिलना है उस बेचारे को भी परेशान किया वो भी घबरा गया और एटलीस्ट सिर्फ फिफ्टी सिक्स डॉलर डिपॉजिट करवाने हैं आई रोज में बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ रूम उस प्राइवेट रूम या फिर उस खूसी कमरे के पहलू में एक दरवाजा खुला हुआ था या फिर लोहे का एक दरवाजा खुला हुआ था गुड मॉर्निंग आई सेट मैंने कहा खुदा हाफिज एंड स्टेप इनटू द सेफ और मैं तिजोरी में दाखिल हो गया सेफ में दाखिल हो गया मतलब अलमारी में अलमीरा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ये इतना बुखला गया कि ये दरवाजे बाहर आने की बजाय इसको सेफ का जो दरवाजा था डोर था उसको लगा कि ये बाहर का दरवाजा है ये सेफ में घुस गया इतना ये पजल हो चुका था कम आउट बाहर निकलो सेट द मैनेजर कोल्डली बड़े रूखे लहजे से मैनेजर ने कहा बाहर निकलो एंड शोर्ड मी द अदर वे और मुझे दूसरा रास्ता दिखाया अब कोल्डली यहाँ पे ये भी क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर है अब हम थोड़े से एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ते हैं अभी आगे भी हमने एक दो एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ना है तो बच्चे एडवर्ब ऑफ मैनर्स ये डिस्क्राइब uh, करते हैं हाउ आर इन व्हाट मैनर समथिंग सम्पन कि कोई भी चीज जो हैपन हो रही है कोई भी जो चीज हो रही है वो किस वे में हो रही है ठीक है कोल्डली सर लहजे में कोई बात की जा रही है तो किस लहजे में की जा रही है सर दहजे में मैनर एडवर्ब्स आरोपन फॉर्म फ्राम एबजेक्टिव एल वाई ये एबजेक्टिव की फॉर्म से ही इनको बनाया जाता है जस्ट लाइक कोल्ड कोल्ड ली इनके लास्ट पे एजेक्टिव जो होते हैं उनके लास्ट पे बचो एल वाई एड कर दिया जाता है जिससे वो क्या बन जाते हैं वो डायरेक्ट एडवर्व की फॉर्म ले लेते हैं एंग्री गुस्से में एंग्री ली ठीक है ना बड़े ही गुस्से के साथ इस तरह से रेगुलर रोजाना रेगुलरली मतलब मुसलसल रोजाना की बेस पे पे कोल्ड cold, बुनियादी बड़े रुखे लहजे से तो इस तरह से क्या करते हैं बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको जिनके आगे एलवाई लगा के हम लोग क्या कर देते हैं उसको एडवर्ब बना देते हैं जैसे बैड है तो बैडली क्वाइट है तो क्वाइटली क्वाइट, क्वाइट यहाँ पे क्या है एजेक्टिव है क्वाइटली क्या है एडवर्व है सडन एजेक्टिव है सडनली हो गया तो क्या हो गया वो फॉर्मेशन Quick. Quick तो बताई गई है कि कैसे हम लोग एजेक्टिव से एडवर्ब ऑफ मैनर्स बनाते हैं लेकिन कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर्स ऐसे है बच्चों जिनकी फॉर्म ऐसे होती है जस्ट लाइक एजेक्टिव जैसे की एजेक्टिव की होती है जैसे हार्ड है लेट है फास्ट है देख उन सब ने बड़ी मेहनत से काम किया she usually arrives late वो अक्सर जो है वो क्या लेट ही घर पहुंचती है देर से ही. i hate driving fast मुझे तेज ड्राइविंग से नफरत है तो ये आपको वर्ड्स नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे hard late fast ये क्या है ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं लेकिन कौन सी शेप के हैं जस्ट लाइक एडजेक्टिव्स हैं बच्चे ये वर्ब और ऑब्जेक्टिव के बाद यूज होते हैं और दोनों ही तरह से सेंटेंसेस ठीक होते हैं ही पेनफुली डाइट ये भी ठीक है ही पेनफुली ये भी ठीक है आई हेट फास्ट ड्राइविंग ये भी ठीक है आई हेट ड्राइविंग फास्ट ये भी ठीक है क्योंकि वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों के बाद में यूज होते हैं तो हमने अभी तक दो आज के लेक्चर में सिर्फ आज के लेक्चर में आई थिंक सो दो हमने वर्ब ऑफ मैन पढ़े हैं रेगुलरली और एक हमने पढ़ा है कोल्डली इसी तरह से आगे भी हम एक दो देखेंगे वो भी देखते हैं साथ में ट्रांसलेशन देखें आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट स्विफ्ट मैं अकाउंटेंट की खिड़की के पास गया एंड पोक्ड पोक्ड मतलब धकेल दी रख दी पुश कर दी थस्ट कर दी द बॉल ऑफ मनी वो जो पैसे लपेटे हुए थे गेंद की शक्ल में एट हिम विद अ क्विक कन्वलसिव क्विक एक झटके के साथ जर्की सडन एक अजीब सी इस तराबी के साथ मतलब थोड़ा सा झटके से जो है ना वो जल्दी से हमें जैसे मतलब करंट नहीं पड़ा हो ऐसे जेब से वो बॉल निकाली पैसों की और फटाफट अकाउंटेंट पे रख के हाथ पीछे कर लिया कहता है कि मैंने वो मुड़े हुए मतलब टेढ़े मेढ़े जो मेरे पैसे थे वो निकाले और बड़ी जल्दी में

Uh, अगर आपको याद हो, हो तो मैंने कॉलेज में आपको लेक्चर दिया था इफ पे इसका मतलब होता तो है सपोज करना कोई ऐसी चीज करना जो हम रियल में ना कर रहे जस्ट लाइक कि जैसे हम ये काम कर रहे माय फेस वॉश पेल मेरा चेहरा खौफ नाक हद तक पीला पड़ चुका था बिल्कुल कहते हैं कि मेरा चेहरा जर्द पड़ चुका था मतलब बहुत ज्यादा मैं घबरा गया हुआ था here yellow here का मतलब है यहां पे yellow पैसे आई सेड मैंने कहा डिपॉजिट इट जमा करो इसको द टोन ऑफ द वर्ड्स सीम टू मीन कहता कि मेरा जो लबो लहजा था शब्द ادا करने का वो कुछ इस तरह से था लेट्स डू दिस पेनफुल थिंग व्हाइल द फिट इज ऑन अस आओ इस तकलीफ तकलीफदा काम को कर ही डालें जबकि सर अंजाम देने का दौरा पर पड़ा हुआ है मतलब ये जो काम मैं करने आया हूँ जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है मेरे साथ गलत चलो ये दर्दनाक काम कर ही देते हैं चलो ये पैसे जमा करवा ही देते हैं खाता ओपन करवा ही देते हैं कहता है कि मैं मेरे जो थे वो कुछ इस तरह से थे जैसे कि मैं अकाउंटेंट से ये ना कह रहा हूँ कि खाता ओपन कर दो ये पैसे पकड़ो मैं ये कह रहा हूँ चलो ये काम भी कर ही डालते हैं मतलब जिस वजह से इतनी ज्यादा परेशानी मुझे मिली है मतलब तो ये जो अकाउंट ओपन करवाना है चलो ये अकाउंट भी ओपन कर ही देते हैं He took the money and gave it to another clerk उसने रकम उठाई और एक क्लर्क को दे दी he made me write अब ये मेड मी राइट पॉजिटिव वर्ब है बच्चों इसको अंडरलाइन करो नेक्स्ट हम लोग पॉजिटिव वर्ब्स पढ़ते हैं ऑन अ स्लिप उसने एक स्लिप पे मुझसे रकम लिखवाई एंड साइन माय नेम इन अ बुक और एक किताब पे मेरे नाम पर दस्तखत करवाए आई नो लॉन्गर न्यू व्हाट आई वाज ड्राइंग मुझे कुछ पता नहीं था नो लोंगर न्यू का मतलब है कि अभी तक मुझे ये नहीं पता चला था कि मैं कर क्या रहा हूँ कहता है कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ वो कभी मेरे से पैसे लिखवा रहे हैं रकम लिखवा रहे हैं कभी साइन करवा रहे हैं तो उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी दिस द बैंक स्वैम बिफोर माई आई स्वैम का मतलब है घूमना वर्ल करना थोड़ा सा uh, मतलब जस्ट लाइक वर्ल्स वर्ल करना कहता है कि बैंक मेरी आंखों के सामने घूम रहा था इतना वो पजल था उसको लग रहा था कि बैंक क्या है उसकी आंखों के सामने घूम रहा है इज इट डिपोजिटेड क्या ये रकम जमा हो गई है आई आस्क इन हॉलो वाइब्रेटिंग वॉइस हॉलो सही मतलब डल मफल्ड डीप फ्लैट मैंने अपनी आवाज में सही मतलब डूबी हुई आवाज में दुखी आवाज में कहा वाइब्रेटिंग लड़ती हुई शेकिंग ट्रैम्बलिंग मैंने अपनी डूबती लड़ती आवाज में कहा क्या ये रकम जमा हो गई है इट इज हाँ हो गई है सेट द अकाउंटेंट अकाउंटेंट ने कहा जी हाँ तब तो आपका काम हो गया है इट इज ये ऐसे sentences होते हैं बच्चों जिनका स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट होता है रीजन इनका जो मीनिंग है वो बैकग्राउंड से लिया जाता है देन आई टू अ चेक चेक तो मैं एक निकलवाना चाहता हूँ जैसे ही अकाउंटेंट ने कहा कि आपकी रकम जमा हो गई है राइटर ने कहा कि मुझे क्या है एक चेक निकलवाना है माई आईडिया वॉइस वॉज टू ड्रॉ आउट सिक्स डॉलर ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज कहता है मेरा इरादा कुछ ये था या फिर बा मुहावरा अगर कर ट्रांसलेशन करें तो ये ऐसे होगी मौजूदा इस्तेमाल के लिए इसमें से मेरा डॉलर निकलवाने का इरादा था $56 उसने जो है वो डिपॉजिट करवाए हैं और उसमें से वो सिक्स डॉलर वापस लेना चाहता है अपने प्रेजेंट यूज के लिए तो कहता है कि मौजूदा इस्तेमाल के लिए इसमें से मेरा छह डॉलर निकलवाने का इरादा था आगे देखते हैं अपने कुछ पॉजिटिव वर्ब्स जैसे कि हमने पढ़ा मेड और कल वाले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि ये द विकेट मेड मी द अकाउंटेंट मेड मी दीटर तो ये मेड जैसे हम लोग कहते हैं अहमद ने अली से खत लिखवाया अहमद मेड अली टू राइट अ लेटर तो ये क्या है पॉजिटिव वर्ब्स हैं स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे लेट मेक लेट बेर इन्फिनेटिव के तौर पे भी हम लोग इसको यूज करते हैं और इसमें से बहुत सारे वर्ब्स आपको मॉडल वर्ब्स भी नजर आएंगे लेकिन यहाँ पे ये एज अ पॉजिटिव वर्ब्स काम कर रहे हैं यहाँ पे मैंने आपको एज अ वर्ब्स वर्ब्स इनके कुछ बताने बताने हैं और सिर्फ वो वाले बताने हैं जो हमारे आज के लेक्चर में मतलब यूज हुए हैं नेक्स्ट जो लेक्चर में यूज होंगे वो फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी तो मेक है ये क्या करता है ये फॉलोड बाय बेयर इन्फिनेटिव के साथ इसको जो फॉलो करता है ये बेर इन्फिनेटिव को करता है बेयर इन्फिनेटिव आपको अच्छे से पता है जिसके साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं बल्कि फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं उसको हम लोग बेर इन्फिनेटिव कहते हैं

अगर हम उसको पैसिव में यूज करें तो वो टू इन्फिनेटिव के साथ यूज होता है हमने इस, इसके दोनों यूज देखने हैं ज्यादा हमने देखना है इसका पॉजिटिव यूज पीपल वर मेड टू वेट आउटसाइड अब देखो ये हमने इन्फिनेटिव टू इंफिनेटिव में पैसिव में लिया है द पीपल वर मेड टू वेट आउटसाइड लोगों को बाहर लोगों से बाहर इंतजार करवाया जा रहा है तो ये पैसिव फॉर्म में चला गया तो यहाँ पे पीपल हैव नो एनी अदर चॉइस तो उनको वेट ही करना पड़ेगा मिस्टर अली मेड ही सन क्लीन हिज रूम अब देखो ये जो है ये बेर इन्फिनिटी के साथ यूज है रीजन ये एक्टिव सेंटेंस है ने अपने बेटे से अपना कमरा साफ करवाया अली सन है बच्चो यहाँ पे अली के बेटे के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है अब अली ने अपने बेटे को रूम साफ करने के लिए कहा है तो मतलब उसको करना ही है तो इस तरह से मेड हम यूज करते हैं एज अ वर्ब मतलब किसी काम का जो कॉज बनता है या फिर किसी चीज पे इंफोसिस करता है जो एक हमारा जो सब्जेक्ट है वो दूसरे सब्जेक्ट से काम लेता है द मूवीज मूवीज मेक मी क्राई मुझे रुला देती हैं मतलब कुछ इमोशनल सीन्स देख के तो ये भी बेर इन्फिनेटिव का यूज देखेंगे अब हम ये सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है ये किसी इन्फिनेटिव के साथ यूज नहीं होता बेयर या फिर टू ये सिंपल फॉर्म के साथ यूज होता है ये आइडिया देता है ठीक है ना ये मतलब दो पर्सन हमारे पास एक्स एंड वाई वाई तो एक्स रिक्वेस्ट करता है y से कोई काम करने के लिए ठीक है? Thing, जब के बाद हम किसी मतलब हैव वाले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो कोई चीज है इंसान नहीं है तो हम वहां पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं ठीक है जैसे वी आर मार्च पेंटेड यहाँ पे पास पार्टिसिपल है रीजन हमारा जो है आई एन जी वाली फार्म में यूज करना है, है, है तो न मतलब जो घर नेक्स्ट मार्च हमारे पास वो घर है मार्च में वो घर आएगा या वो घर है जो पेंटिड है जिसका पेंट हुआ पड़ा है यू हैव है ठीक है ना तुम्हें क्या करना है अपने बाल काटने हैं या बा, बाल काट लो यू हैव हैड योर हेयर कट तो एग्जाम्पल्स देखो सारी आई हैड एक मिनट रुक जाए अक्सर आपकी वीडियो ओपन है बच्चे अपनी वीडियो ऑफ करें अक्सर मजीद हाँ जी आई हैड द प्लम्बर रिपेयर द लीक ही रिपेयर बिकॉज आई रिक्वेस्ट हिम अब मैंने प्लम्बर से कहा कि मतलब ये जहाँ पे पाइप वगैरह खराब है वो ठीक कर दे तो उसने हमने रिक्वेस्ट की उसने कर दिया इस तरह से अब ये जो हैव है इसकी बच्चे ये जरूरी नहीं एज यूज हो इसकी चेंज हो सकती है एज अ वर्ब पास्ट में बात करेंगे तो हैड ठीक है ना कंटिन्यूस uh, में बात करेंगे तो हैविंग आ जाएगा सिंपल फॉर्म में बात करेंगे तो हैव आ जाएगा हमने पीछे पढ़ा है कि ये सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर काम करता है

अली टीचर से स्टूडेंट को ऑर्डर मिला कि वो जल्दी क्लास छोड़ छोड़ने अली गॉट इज फ्रेंड टू तो प्ले फुटबॉल विद हिम आफ्टर स्कूल अली ने अपने दोस्त से कहा उसको ही किया या फोर्स किया कि वो स्कूल के बाद उसके साथ फुटबॉल खेले फिर गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ये भी देखेंगे कि गेट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट का यूज होता है साथ में थर्ड फॉर्म कभी यूज होती है वी कॉज समथिंग टू हैपन टू बी डन मतलब तो तो कोई चीज हो रही हो या हमने कुछ ऐसा करना हो आई एम गेटिंग द कंप्यूटर रिपेयर्ड ऑन मंडे ठीक है ना आई एम गेटिंग द कंप्यूटर रिपेयर्ड ऑन मंडे कि कंप्यूटर को कब जो है वो रिपेयर करवाया था मंडे को तो ऐसा कोई काज बन जाए आई विल गेट योर जैकेट क्लीन इफ यू लाइक ठीक है ना मैं आपकी ये जो जैकेट है इसको क्लीन करवाऊंगी अगर आपको पसंद हो या इस तरह से तो मुझे ये आपकी क्लीन जैकेट चाहिए या फिर इस तरह से तो बच्चे ये एज अ पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म यहाँ पे एज अ पास्ट पार्टिसिपल काम करेगी तो इस तरह से हम लोग देखेंगे पॉजिटिव वर्ब्स का यूज अभी हमने जस्ट तीन का देखा है मेक का हैव का और गेट का हमने पढ़ा सिर्फ एक है मेक ठीक है प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं हाँ जी अपने सिनोनिम्स uh, देखने के लिए तो वापस आते हैं अब ट्रांसलेशन की तरफ जी बच्चे तो अब देखें समवन गिव मी थ्रू विकेट किसी ने मुझे खिड़की के सुराख से एक चेक पकड़ाया एंड समवन एल्स टेलिंग मी हाउ टू राइट इट आउट और कोई दूसरा शख्स मुझे चेक लिखना सिखाने लगा कैसे लिखते हैं अब हाउ टू राइट ये इसको भी अंडरलाइन करें ये एबिलिटी सेंटेंसेस होते हैं

That I had written 56 instead of six. फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने छप्पन लिख दिया है आई वॉज टू फार गो मैं कल से बड़ी दूर जा चुका था अब तो कुछ समय नहीं आ रही थी मुझे आई है फीलिंग दैट इट वॉज इम्पोसिबल टू एक्सप्लेन दिंग मैंने सोचा की अब इसकी वजाहत करना तो नामुमकिन है मैं इसको कैसे समझाऊं कि मैंने सिक्स डॉलर लिखना था और मेरे से फिफ्टी सिक्स लिखा क्या

इसका रिएक्ट भी कुछ इस तरह से था जैसे इससे कुछ नहीं हुआ उल्टा चोर कोतवाल को, को डांटे कुछ इस तरह से ठीक है ना इसने उनको क्रॉस <coughs> थ्रेड कर दिया उल्टा उनको मतलब कह दिया कहता है यस द होल थिंग हाँ सारी की सारी यू विद ड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक क्या तुम बैंक से सारी रकम निकलवा रहे हो एवरी सेंट ऑफ इट एक एक पाई इसकी निकलवा रहा हूं मैं आर यू नॉट गोइंग टू डिपोजिट एनी मोर क्या आप मजीद यहाँ पे कोई रकम नहीं रखना चाहते द क्लर्क, मतलब होके, होके। क्लर्क ने मुझसे बड़े हिरान होके पूछा कि क्या मजीद कोई रकम जो है वो नहीं यहां पे नहीं तो आगे से ये क्या कहता है नेवर हरगिज नहीं ये था कि आप लोगों का ये जो रवैया है आप लोग मुझे देख रहे हैं हंस रहे हैं मुझ पे तंज कर रहे हैं तो ये मेरी इंसल्ट है और मैं यहाँ पे पैसे नहीं रखवाना चाहूंगा एमीडिएट होप Struck me me that 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 they might think वो वो someone had had insulted me, while while I I I was writing check, I was writing writing the the check check adverb of time and that I had changed my mind ठीक है? कहता है जब मैं चेक लिख रहा था तो किसी ने मेरी बेजती की है और ये मैंने अपना इरादा तब्दील कर दिया ठीक है कहता है एक अहम काना एक बेवकूफाना उम्मीद मेरे जहन में आई कि वो ये सोच सकते हैं कि जब मैं चेक लिख रहा था तो किसी ने मेरी बेजती की और इस वजह से मैं अपना इरादा तब्दील कर लिया आई मेट आई मेड अ रेस्ट अटेम्प्ट रच मयूस कुन ठीक है ना पुअर बैड अटेम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विद अ फियरफुली क्विक टेंपर कहता है कि मैंने एक ऐसे शख्स की तरह दिखाई देने की मायूस की जो खौफनाक हद तक तेज मजाज हो अब इससे गलती पे गलती गलती पे गलती हुई जा रही थी अब उन गलतियों को कवर करने के लिए इसने ऐसे प्रिटेंड किया कि इसकी बहुत इंसल्ट हुई है ये बंदा बड़ा मतलब ऑनर वाला था और इसकी सेल्फ स्टीम इस को हर्ट किया है किसी ने इसकी मतलब इज्जत को थोड़ा सा मतलब इसकी इंसल्ट की गई है इस वजह से जो है अब ये नाराज हो गया है यहां पे पैसे नहीं रख रहा क्लर्क द्लर्कपेयर टू पे द मनी क्लर्क ने जो है वो रकम क्लर्क रकम अदा करने के लिए तैयार हो गया हाउ विल यू हैव इट ही सेड उसने कहा आप इसे किस सूरत में लेना चाहेंगे What? मतलब क्या हाउ विल यू हैव इट आप इसे किस सूरत में लेना चाहेंगे ओ आई कार्ट में समझ गया उनके कहने का मतलब था आप नोट में लेना चाहेंगे सिक्कों में एंड आंसर्ड विदउट इवन ट्राइंग टू थिंक इन फिफ्टीज कहता है कि मैंने कहा पचास पचास में लेना चाहूंगा मैंने बगैर सोचे समझे जवाब दे दिया He gave me a fifty dollar bill. उसने मुझे पचास डॉलर का नोट दे दिया and six और फिर six ही सास ड्राइली. उसने बड़े रूखे अंदाज़ से पूछा और छः जो ऊपर बचे हैं वो कैसे boringly flatly उसने मुझसे पूछा रूखे अंदाज़ में छः किस तरह से लेंगे? Uh, he gave it to me and I rushed out. उसने मुझे ये पैसे दिए

बैंक बैंक नो मोर इसके बाद से कभी मैं मैं नहीं गया। जो रकम नोट जो होती सिल्वर डॉलर होते हैं मेरे वो मैं जराबों में रख लेता हूँ जुराब में रख लेता हूँ तो बच्चों ये थी हमारी ट्रांसलेशन साथ में अब थोड़ी सी ग्रामर देख लें क्योंकि पांच मिनट रह गए हमारे पास तो हमने यहाँ पे फिलहाल जो चीज देखनी है वो है अबिलिटी सेंटेंसेस ठीक है जिनमें अबिलिटी को शो किया जाता है तो ये इस, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है नो हाउ टू प्लस अबिलिटी प्लस फर्स्ट फॉर्म ठीक है आई नो हाउ टू फ्लाई द काइट मैं जानता हूँ कि पतंग कैसे उड़ाया जाता है आई नो अगर आई नो है तो बच्चे ये नहीं आपने कहना आई नो टू फ्लाई द काट हाउ टू फ्लाई कैसे फिर तो उसके बाद ही न्यू हाउ टू राइट अटर वो जानता है था कि खत कैसे लिखते हैं आई डू नॉट नो हाउ टू कुछ नहीं पता खाना कैसे बनाते हैं तो जहाँ पे यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर नोट कर ले सेंटेंस ऑफ अबिलिटी नो प्लस हाउ टू प्लस अबिलिटी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसके लिए नो भी नो जो वर्ड है जानना ये भी जरूरी है मतलब

ऑल एनी मोस्ट नन एंड सम ये सिंगुलर भी हो सकते हैं ये प्लूरल भी हो सकते हैं ये डिपेंड करता है उनकी फ्रेजिज पे कि उनकी फ्रेजिज कैसी हैं ठीक है ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्लूरल और सिंगुलर दोनों में काम करते हैं बाकी स्क्रीन पे आपको प्लूरल भी नजर आ रहे हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस और सिंगुलर भी नजर आ रहे हैं अब हम देखते हैं अपने एडियम्स टू एड फ्यूल टू फायर हिज बिटर रिमार्क्स एडिट फ्यूल टू फायर एंड देर फ्रेंडशिप एंडेड ठीक है

अरसे तक चलना मुसलसल आई कैन नॉट वॉक 10 माइल्स एट अ स्ट्रेच मैं दस मील तक दस मील तक जो है वो मुसलसल नहीं चल सकता एन ऑयल टंग खुशामद करना आ पर्सन विद एन ऑयल टंग ऑफन सक्सेड्स एक इंसान जो खुशामद करता है वो अक्सर कामयाब रहता है ठीक है तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर अब आप लोग मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं अबाउट इट लेक्चर ट्रांसलेशन ज्यादा थी पर मैंने ट्राई की आज ही कंप्लीट करने की क्योंकि इसमें ना तो कुछ खास ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर थे स्टोरी बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर्स की थी और इस वजह से जो स्ट्रक्चर्स थे मैंने आपको बता दिए हैं तो स्टोरी आपकी कंप्लीट हो गई है तो अब हम क्या करेंगे पहले हम एक और स्टोरी पढ़ेंगे फिर इसका टेस्ट लेंगे ऐसे टेस्ट नहीं लेंगे कल आप लोगों ने इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो तैयार करने हैं क्वेश्चन देख लें अपने वट एटीट्यूड ऑफ द मैनेजर टूवर्ड लीकॉक ऑन लर्निंग दैट ओनली विस्ट टू डिपोजिट फिफ्टी सिक्स डॉलर इन द बैंक ठीक है तो बाकी क्वेश्चन भी मैं आपको बोल के बता देती हूँ